हेलो बच्चों बच्चों, आज की जो क्लास है ये हमारी रिवीजन क्लास है, क्लास 9th की चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में आज मैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में या तो नंबर चेंज करके आते हैं या इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहां पर आपको एक्स वाई की जगह ना ए बी भी मिल सकता है। 5 + √11 डिवाइडेड बाय 3 - √11। अब मुझे बोला गया इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई रूट इलेवन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमेशा याद रखना कि यहां पर आपको ए बी भी मिल सकता है या ए बी की जगह एक्स और वाई भी मिल सकता है। आपको ना यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 + √11, 3 - √11 है, नीचे रूट है, तो सबसे पहला काम क्या है, इसको रेशनलाइज कर दो। तो 3 + √11 डिवाइडेड बाय 3 + √11। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, 5 + √11 है तो 5 + √11 डिवाइडेड बाय 3 + √11। अब देखो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है, 3 - √11, 3 + √11 इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट इलेवन है। इसका पार्ट है तो मैं इसको भी बाद में, या तो इसको साथ साथ लेने दो या इसको भी बाद में लिख लेना, तो बेटर होगा कि आप बाद में लिख लेना, तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा भी। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, अगर डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यू है तो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इस नंबर में अगर माइनस है तो प्लस कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 5 + √11 इंटू 3 + √11, 3 - √11 इंटू 3 + √11। अब देखो मैं 5 को ना यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 3 + √11 प्लस रूट इलेवन है, यहां मल्टीप्लाई कर दो 3 + √11। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 - √11 और 3 + √11। यहां ना एक आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी और ए प्लस बी की, तो यहां पर आइडेंटिटी लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब देखो 5 3 15 प्लस 5 2 10 √11 प्लस 3 √11 प्लस, अच्छा रूट इलेवन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × √11 11 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 - √11 क्या आ जाएगा, 4 × 11 यहां पर आ जाएगा 44। अब जरा ध्यान दो, 15 और 22 ये क्या आ जाएगा, 37 प्लस 13 √11 डिवाइडेड बाय 9 में से 44। अगर मैं 9 में से 44 माइनस करता हूं तो मेरे पास बचता है 35, वो भी नेगेटिव नंबर, हमेशा याद रखना। तो पहले तो मैंने यहां पर लगा दिया -35, लेकिन डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में कहीं पर भी माइनस फंक्शन हो तो हम बीच में लगाते हैं माइनस, यहां 37 प्लस 13, 37 प्लस 13 √11 ब्रैकेट में लिख लेना डिवाइडेड बाय 35, बीच में लगाया मैंने इस नंबर को। अब इक्वल कर दो एक्स प्लस वाई रूट इलेवन। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम क्या करते हैं, इसको रब कर देते। -37/35 -13/11 है, 13/11/35 = x + y√11। बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इस x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा ध्यान दो, यहां पर माइनस था और यहां मैंने कर दिया था ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -37 और उसको स्प्लिट कर दो √35, -13/√11/35 इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट इलेवन। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को अलग से कंपेयर करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -37/35। देखो एक्स के बिल्कुल सामने वैल्यू देखनी है आपने। अब रूट वाई रूट इलेवन इज इक्वल टू -13/√11/35 है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -13/√11 35, अब नीचे रूट इलेवन कर दो, ये कट गया तो यहां पर आ जाएगा -13/35। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -13/35। तो ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -37/35 और y की वैल्यू आ गई -13/35।
आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ना पेपर में मिलने वाले हैं, जरा ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है मेरा बिल्कुल पीछे जैसे मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही है, बट यहां पर आपको दो वैल्यू मिल गई है, 3/√3 + 1 + 5/√3 - 1। तो क्वेश्चन करने के लिए पहला तरीका क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो इस डिनोमिनेटर के रूट को हटा दो। अब डिनोमिनेटर के रूट को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि यहां पर आपको क्वेश्चन को अलग अलग रैशनलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 3 है √3 + 1 × √3 - 1/√3 - 1 + 5 है नीचे √3 - 1 × √3 + 1/√3 + 1 = a + b√3। अब जरा ध्यान दो, ये 3 है, 3√3 - 1 और नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b a - b, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहाँ a² - b² मिल गया, प्लस 5 है √3 + 1 / नीचे वैल्यू मिल जाएगी a² - b² = a + b√3। अब बच्चे यहां पर जरा ध्यान दो, यहां जो वैल्यू मिलेगी ऊपर मिलेगी 3√3 - 1 + 5√3 + 1 / यहां पर √3 है 3 - 1, ये क्या आ जाएगा 2। अब यहां पर भी √3, देखो √3 का अगर स्क्वायर करते हैं, √3 का मैं यहां पर दोबारा सॉल्व करता हूं, हमारे पास वैल्यू है √3 2 - 1 2, अगर आप √3 2 करते हो 3, यहां पर -1 तो यहां बचेगा 2, तो दोनों वैल्यू में 2 बचेगा और 2, तो मैं क्या करता हूं पहले इस वैल्यू को यहां पर भी 2 लगा देता हूं और यहां पर भी 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं 2 LCM आ जाएगा, 3√3 - 1 + 5√3 + 1, क्योंकि दोनों प्लस का साइन था तो पहले मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया 2, वैल्यू ऊपर की एज इट इज लिखी जाएगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 3√3 - 3 5√3 + 5 / 2, 5 और 3 8√3 + 2/2 = a + b√3। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखो, 5 + 3 8√3 + 2, यहां मेरी वैल्यू आ गई। अब देखो सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, 8√3 + 2/2 / a + b√3। अब जरा ध्यान दो, 8√3 / 2, 2/2 = a + b√3, 2 × 4 = 8, a को क्या करेंगे 4√3 से आ जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी b√3 = 1, तो a की वैल्यू तो हमारे पास 4√3 आ गई, ठीक है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 = b, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास यहां से मिल गई कि a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/√3 और b की वैल्यू क्या आ रही है, नोट कर लो इसको। इसमें बच्चे एक छोटी सी करेक्शन कर सकते हो, देखो इस क्वेश्चन में ना हमारे पास जो वैल्यू आई है आपकी वैल्यू ये आई है, छोटा सा हल्का सा करेक्शन बताऊंगा, एक छोटा सा पॉइंट है, देखो यहां पर 8√3 + 2 है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 4√3 + 1/2 = a + b√3, 2 से 2 मैंने काट दिया। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना, b के साथ √3 है, तो मैं क्या करता हूं 1 को आगे ले लेता हूं और 4√3 को पीछे ले सकता हूं, ये a + b√3 हो जाएगा। अब ये जो a है ना, इसको अगर कंपेयर करोगे 1 से तो ये तो आ गया 1, अब b है, b की वैल्यू है यहाँ √3 और ये है 4√3, तो √3 से √3 कट गया, b आ गया 4। तो सबसे पहले कहीं पर आपको ऐसी इक्वेशन भी मिल सकती है जिसके अंदर आपके पास इक्वेशन आई है 8√3 + 2, तो यहां पर सबसे पहले मैंने 2 कॉमन लेने के बाद ये देखा कि यहां पर जो √3 है ना वो b की तरफ लाई कर रहा है, मैंने इस पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, इससे बेनिफिट क्या हुआ, मुझे a और b इजीली अवेलेबल हो गए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है लेकिन क्लास 9th में मोस्ट ऑफ द टाइम मिड टर्म या फाइनल में ये क्वेश्चन देखा गया है। मैंने आज क्या बोला कि पूरे वीडियो के अंदर ना हम सिर्फ चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके मिड टर्म में आपको मिल सकते भी हैं। तो यहां पर बात हो रही है 1/√4 + √5 + 1/√5 + √6 + 1/√6 + √7 + 1/√7 √8 + 9 = 1,
मुझे ये पूरी वैल्यू को ना इक्वल टू वन प्रूफ करना है। सर क्वेश्चन काफी बड़ा सा लग रहा है लेकिन मुझे सॉल्यूशन बहुत आसान है, बट यहाँ पर यह ध्यान रखना, अपने कैलकुलेशन पर दिमाग लगा के रखना, ढंग से करना, क्योंकि कैलकुलेशन का ही सारा खेल है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड है वन अपॉन रूट फोर प्लस रूट फाइव। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का रैशनलाइज करेंगे, रूट फोर माइनस रूट फाइव, रूट फोर माइनस रूट फाइव प्लस वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट सिक्स है, मल्टीप्लाई करोगे रूट फाइव माइनस रूट सिक्स अपॉन रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, वन अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट सेवन, रूट सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन रूट सिक्स माइनस रूट सेवन प्लस वन अपॉन रूट सेवन प्लस रूट एट। नीचे जब भी हमारे पास क्या मिलता है, डिनोमिनेटर में रूट मिलता है तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, रूट सेवन माइनस रूट एट अपॉन रूट सेवन माइनस रूट एट प्लस वन अपॉन रूट एट प्लस रूट नाइन इन टू रूट एट माइनस रूट नाइन रूट एट माइनस रूट नाइन। अब सबसे पहला काम क्या है, हमारी वैल्यू क्या दी है, रूट फोर माइनस रूट फाइव, रूट फोर माइनस रूट फाइव, रूट फोर प्लस रूट फाइव, रूट फोर माइनस रूट फाइव, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ वैल्यू मिलेगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर, रूट सिक्स माइनस रूट सेवन, रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस रूट सेवन का स्क्वायर, रूट सेवन माइनस रूट एट, रूट सेवन का स्क्वायर माइनस रूट एट का स्क्वायर प्लस रूट एट माइनस रूट नाइन, रूट एट का स्क्वायर माइनस रूट नाइन का स्क्वायर, रूट फोर माइनस रूट फाइव। अच्छा रूट फोर माइनस रूट फाइव है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, फोर का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, ये फोर माइनस फाइव वन आ जाएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम माइनस वन, ठीक है प्लस। अच्छा रूट फोर का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, ये तो हमें पता है रूट की वैल्यू तो हमारे पास स्क्वायर में हट जाती है, तो यहाँ पर फोर माइनस फाइव वन आ जाता है। अब देखो रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, नीचे फिर यहाँ पर माइनस वन मिलेगा प्लस रूट सिक्स माइनस रूट सेवन, फिर यहाँ माइनस वन प्लस रूट सेवन माइनस रूट एट, फिर यहाँ माइनस वन और प्लस रूट एट माइनस रूट नाइन। डिनोमिनेटर में सबके नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, सारे डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहला काम क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, ये जो रूट फोर है ना, माइनस रूट फोर प्लस रूट फाइव, माइनस रूट फाइव प्लस रूट सिक्स, माइनस रूट सिक्स प्लस रूट सेवन, माइनस रूट सेवन प्लस रूट एट, माइनस रूट एट प्लस रूट नाइन। अब क्या किया देखो, सबसे पहले ना इनका साइन चेंज कर दो, क्योंकि माइनस में यहां लिखूंगा तो रूट फोर नेगेटिव हो जाएगा और रूट फाइव पॉजिटिव। सिमिलरली यहां माइनस लिखोगे रूट फाइव नेगेटिव और रूट सिक्स पॉजिटिव, फिर यहां माइनस करोगे रूट सिक्स नेगेटिव और रूट सेवन पॉजिटिव। अब देखो फाइव से फाइव गया, सिक्स से सिक्स गया, सेवन से सेवन गया, एट से एट गया, अब वैल्यू क्या बची, माइनस रूट फोर प्लस रूट नाइन। अब रूट फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, यहाँ टू ब्रैकेट के होकर माइनस लिखा था, और नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, थ्री में से टू गए वन, तो ये मुझे मिल गया सॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन था हमारा, एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, मार्क कर लीजिए ठीक है, और साथ साथ वीडियो में करते हुए चलिएगा, इसको पॉज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहां पर कई बार इक्वेशन दी होती है पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जहां पर बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी, कई बार ये 0.235 के ऊपर बार है, कई बार 5 के ऊपर बार भी मिल सकता है, इसके अलावा 2 के ऊपर भी मिल सकते हैं पूरी। अब सबसे पहले काम क्या है करना है, आपने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। P by Q की फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले मान लो x is equals to 0.235 इसके पूरे के ऊपर बार है। तो बच्चे यहां पर एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो देखते हैं पूरे के ऊपर बार है, पूरे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम बच्चों जो आप मैक्सिमम मिस्टेक करते हो, पहले ये देखा करो कि इसके ऊपर जो बार लगा है वो सिर्फ दो वैल्यू, लास्ट की दो वैल्यू पर है ठीक है। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। सबसे पहला काम ही आपने ये करना है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10x is equals to 2.235
35 बार, इसीलिए लो इक्वेशन नंबर वन। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 100x इज इक्वल टू 235.35 बार, ये आ जाएगा मेरा सेकंड पार्ट। बच्चों अब आपने यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, अब इसको 10 और इसको 100 से क्यों किया, सर इसका लॉजिक बताता हूं। पहले तो ये देखो कि यहां पर बार कितनी वैल्यू के, कितने डिजिट के बार है, दो डिजिट पर है। तो अगर मैं क्या करूं, इस दो डिजिट को मुझे आगे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी ये वैल्यू 235.35 बार आएगी। क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है, 0.353535 और हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद ना पूरे नंबर को जीरो बनाना। अभी मैं बताता हूं इसमें क्या करेंगे, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये नंबर है 1000x में से, इसको माइनस कर दो 10x इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। अब माइनस करने के बाद जरा ध्यान देना कि वैल्यू क्या रहेगी, 235 माइनस 3.5 बार, ठीक है, माइनस 2.35 बार, क्योंकि इसको नेगेटिव करोगे तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 233। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, डेसिमल के बाद ना आपको जीरो ही मिलना चाहिए। तो डेसिमल के बाद जीरो वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 990x इज इक्वल टू 233, x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। मेरा जो सॉल्यूशन आ गया, अभी आ गया 233 अपॉन 990। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको भी एग्जाम में भी, ठीक है, नोट कर लो उसको जरा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या मिलता है बच्चों, यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को देखकर। यहां पर क्वेश्चन बोला गया रूट टू की वैल्यू है 1.414 और रूट थ्री की वैल्यू है 1.732। क्वेश्चन में गिवन है 4/√3 − 2√2 एंड देन 3/√3 + 2√2। अब यहां पर क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्टली ये वैल्यू लगा लेते हैं, रूट टू की वैल्यू 1.414 और रूट थ्री की वैल्यू 1.732। ऐसा बिल्कुल मत करना, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/√3 − 2√2 रैशनलाइज करो, सबसे पहला काम यही है, 4/√3 − 2√2 रैशनलाइज करोगे, 3/√3 + 2√2 3/√3 + 2√2 रैशनलाइज करोगे, 3√3 − 2√2 3√3 − 2√2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 4 यहां लिखना, 3√3 + 2√2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। यहां पर फिर क्या करोगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या करूंगा, 4/3 = 12√3 + 4/2 = 8√2। अब 3√3 का स्क्वायर करोगे 9। देखो 3√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3√3 × 3√3, 3 × 3 = 9, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो यहां लिखा जाएगा 27 माइनस 2√2 × 2√2, 2 × 2 = 4, रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे 8, तो यहां पर आ जाएगा 8 प्लस 3 × 3 = 9 √3 − 6√2, ठीक है। नीचे जो वैल्यू आएगी ना, वहां पर 27 − 8, दोनों वैल्यू में वैल्यू कॉमन ही आएगी, 2√2 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 ही आएगा, तो यहां पर आ गया 4, 27 − 8। तो जरा ध्यान दो, 27 में से अगर 8 माइनस करेंगे 19 आ जाएगा, तो यहां लिखो 12√3 + 8√2 + 19 9√3 − 6√2, ठीक है। दोनों वैल्यू में क्या आ गया, 19 और 19 मेरे पास वैल्यू आ गया। तो आइए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं,
सबसे पहला काम है, ये 19 मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो 12 रूट 3 प्लस 8 रूट 2 प्लस 9 रूट 3 माइनस 6 रूट 2, तो 12 रूट 3 और हम क्या करेंगे 9 रूट 3, रूट 3 और रूट 3 सेम है, तो 12 प्लस 9 यहां पर क्या हो जाएगा 21 रूट 3। अब 8 रूट 2 में 6 रूट 2 गए, 21 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 19, तो वैल्यू आ जाएगी यहां पर 21 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 19। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 21 रूट 3, मैं इधर कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं बच्चे, तो यहां पर मेरे पास वैल्यू बची है 21 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 19। तो बच्चे सबसे पहले जरा इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको बोला क्या गया था, बोला गया था बुक, एक मिनट, ये प्लस का होना चाहिए, ये प्लस होगा बच्चे, क्योंकि 8 रूट 2 और 6 रूट 2 ये प्लस का होगा, इसको प्लस कर लेना, 21 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 19 है, यहाँ प्लस लिख लेना, गलती से मैंने माइनस कर दिया था 21। अब रूट 3 की वैल्यू हमारे को गिवन थी क्या 1.732 प्लस 2, रूट 2 की वैल्यू गिवन है बुक में 1.414 डिवाइडेड बाय 19। अब 21 को अगर आप 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, 36.372 प्लस 2 इंटू 1.41 2.828 डिवाइडेड बाय 19। तो इसको कंप्लीट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 39.2। डेसिमल के बाद मैंने एक ही डिजिट लिया है, बहुत सारे डिजिट लेने की जरूरत नहीं, 8 और 10, 7 और 10, ठीक है 39.2 है, या तो इसको यहीं छोड़ दो या इसको अगर फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर 19 2 38 2 point something like that, इस तरीके से आ जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूं। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 में जब भी टीचर आपको असाइनमेंट देती है या कई बार आपको टर्म 1 का पेपर मिलता है या आपके यूटीज मिलते हैं आपके कोचिंग में, ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। यहां पर देखो मैं क्वेश्चन की अगर बात करूं ना, समटाइम्स के नंबर चेंज किए जाते हैं, 3 raised to the power 1 by 2, 4 raised to the power 1 by 3, 5 raised to the power 1 by 4 इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। तो सबसे पहला काम है इस टाइप का, जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है, नीचे ये जो नीचे टर्म है 2, 3 and 4, इनका आपने लेना है एलसीएम। अगर 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखो कि यहां पर वैल्यू है 3 और यहां दिया है 1 by 2, तो मुझे क्या करना है कि यहां पर 2, 3, 4 का एलसीएम आ गया 12, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी ना इसके 12 बनाना पड़ेगा। अब 12 बनाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 12 आ जाए, मैं कहता हूं 2, 6 are 12, अगर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई, मैं कोई भी वैल्यू अपने आप से नहीं ऐड कर सकता, दोनों में अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे तो वैल्यू तो नलीफाई हो जाएगी, लेकिन मुझे इसका असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर समझ लो कि असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए ना मुझे इसकी पावर को इक्वल करना पड़ेगा, पावर इक्वल का मतलब है कि डिनोमिनेटर की जितनी भी वैल्यू है ना सारी एक जैसी हो जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी 3 की पावर 6 by 12। अब देखो 4 की पावर 1 by 3 है, अब क्या करूं n2 4 n2 4 कर दूं, 4 की पावर 4 by 12, 5 की पावर 1 by 4 है, n2 3 और n2 3 कर दो, 5 की पावर 3 by 12 हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या काम करो कि सबकी पावर को ना इक्वलाइज कर दो, डिनोमिनेटर की अगर सबकी पावर इक्वलाइज होगी तो अब जरा इसको ऐसे देखो, 3 की पावर 6 n2 1 by 12, 4 की पावर 4 raised to the power 1 by 12, 5 की पावर 3 raised to the power 1 by 12, 3 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर मैं 3 की पावर 6 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 3 into 3 into 3
3 × 3 × 3, तो ये आ जाएगा 9 × 9 × 9, 81 × 9, यहां वैल्यू आ जाएगी 729 की पावर 1/12, 4 की पावर 4 टाइम्स, यानी कि 4 × 4 × 4 × 4, 256 की पावर 1/12, 5 की पावर 125 की पावर 1/12। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, 3 की पावर हमने की थी 1/2, 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 729, 4 की पावर 1/3 की वैल्यू आ रही है 256, एंड नाउ 5 की पावर 1/4 की वैल्यू आ रही है 125/1/12। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई करना है, सबसे छोटा नंबर क्या होगा 125, तो मैं सिर्फ 125 की वैल्यू को देख रहा हूं और उसके लिखता हूं 1/12, देन उससे बड़ा क्या होगा 256, तो उसके बाद मैंने लिखा 256 की पावर 1/12, फिर उसके बाद लिखा 729 की पावर 1/12, तो यहां पर आ जाएगा 5 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/2। ये था मेरा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको नोट कर लो। आइए बच्चे, अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 नंबर के अंदर जो है क्वेश्चन मिलने वाला है, तकरीबन ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से कीजिएगा, मुश्किल नहीं है। मैंने क्या बोला कि इस क्लास के अंदर हम चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसको मैं 2 सीरीज में डिवाइड करूंगा। सीरीज 1 के अंदर मैं ये जो क्वेश्चन है, इसके बाद हम बात करेंगे सीरीज 2 में। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है कि यहां पर वैल्यू दिया एक्स रे टू द पावर ए अपॉन एक्स रे टू द पावर बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स रे टू द पावर बी अपॉन एक्स रे टू द पावर सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स रे टू द पावर सी अपॉन एक्स रे टू द पावर ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जब बेस सेम होता है ना, तो हम पावर को माइनस कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बेस तो दोनों का सेम है, तो एक्स की पावर ए माइनस बी यहां लिखा और इसके बाहर लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली एक्स की पावर बी माइनस सी यहां लिखा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स की पावर सी माइनस ए यहां लिखा, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, एक्स की पावर यहां है ए माइनस बी, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स रेस टू द पावर बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स रेस टू द पावर सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, वैल्यू क्या है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब इस वैल्यू को अगर मैं देखूं तो ये मेरी आइडेंटिटी बनती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ये आइडेंटिटी बन रही है बी क्यूब माइनस सी क्यूब की, और ये आइडेंटिटी बन रही है सी क्यूब माइनस ए क्यूब की। आइडेंटिटी बता देता हूं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की होती है बच्चे, तो ये जरा ध्यान से देखना। अब जब मेरे बेस सेम है, देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स एज इट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से क्यूब, एक्स रेस टू द पावर 0 इक्वल टू 1। मेरा सॉल्यूशन आ गया यहां पर 1। आई होप आपको इस क्वेश्चन को इजीली, आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।